हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल परी ए टू जेड। आज मैं यहाँ आई हूँ, मतलब बैंड्रा में हूँ। मैं आज बैंड्रा में हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे भी कनेक्ट हो जाऊँ। मैं आई हूँ बैनिस्टैंड। यहाँ पे मैं बचपन से, मतलब मेरा बचपन ही गुजरा है यहाँ पे, मतलब बैंड्रा, माहिम, सेंटा क्रूज, हमेशा आना जाना। मतलब जैसे कि बचपन से लेके बड़े होने तक का हम इधर आते थे बैनिस्टैंड पे, वॉकिंग करने, ये करने सब। और मेरी स्कूल भी जो है बैंड्रा में ही है, तो बैंड्रा से मेरा दिल से लगाव है। ये देखिए बैनिस्टैंड, और ये है सलमान खान का घर जो दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट फ्लोर पे जिस पे ब्राउन कलर का वो डाला है, वो बिल्डिंग रिपेयरिंग हो रही है। हम तो बचपन से ही देखते आए हैं, हम यहाँ पे सब। बस मैं सोच रही थी कि आज मैं जा नहीं सकूंगी सलमान खान के घर के अंदर, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ। बिज़ी मतलब कि मैं अपने घर में रह रहे के एकदम ये बोर हो गई थी, तो आज मैं घूमने निकली हूँ, तो इसके लिए मैं आज किसी के घर नहीं जाऊंगी, ना सलमान ना शाहरुख के घर के अंदर, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैनिस्टैंड, और आप रहिए मेरे साथ कनेक्टेड। Thank you.
देखिए शाहरुख खान का घर है। मुंबई वालों को तो मालूम है और बांद्रा वालों को तो शायद वो तो अच्छी तरह से मालूम होगा, लेकिन मैं मुंबई के जो बाहर है मैं उनको बता रही हूँ। ये बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का घर है। ये मैंने बताया ना, आज तो मैं किसी के घर नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि आज मैं घूमने निकली हूँ। ये देखिए रेखा जी का बंगला है। बॉलीवुड मशहूर एक्टर्स रेखा जी, जो ब्यूटीफुल प्रीटी है एकदम दिखने में, उनका बंगला है ये। जो मुंबई से बाहर है जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, ये देखिए। और उनके बाजू में वो भी बहुत टॉप की एक्टर्स गुजर चुकी है, शबाना आज़मी। मतलब गुजर चुकी है मतलब है अभी, लेकिन उनका एक ज़माना था वो। ये शबाना आज़मी जी का बंगला है, बाजू में ही है दोनों का। ये देखिए रेखा जी का, और उनके ही बाजू में शबाना जी का। और रेखा जी एकदम पास में है, एकदम दोनों नेबर है। ये हम लोग आए हैं यहाँ रेस्टोरेंट में बैन स्टैंड के।
देखने के लिए मिल गया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, देखिए मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था सलमान खान के घर से, वहीं एंड कर रही हूँ, सलमान खान के घर पे एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना और दुआओं में मुझे याद रखना। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।